नमस्कार, आप सभी नमस्कार लोगों का भाई। स्वागत है। सोरोस जीवियों को लेकर हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम 3 वीडियो पहले भी बना चुके हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि सोरोस जीवी का नाम हमने किन लोगों के लिए चुना है। ये वो लोग हैं जो जॉर्ज सोरोस जैसी विदेशी हस्तियों से पैसा लेते हैं और देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ, इवन देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक प्रोपगेंडा चलाते हैं, एक अभियान चलाते हैं, और ये बड़ा सुनियोजित और संगठित तरीके से होता है। इसकी कड़ियां सरकारी सिस्टम में इतने गहरे तक जुड़ी हुई हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 9 साल से मोदी सरकार इन खरपतवार की तरह उग आई शक्तियों को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। एक को निकालिए तो दूसरा उगाता है, तीसरे को निकालिए तो चौथा उगाता है। लेकिन हमने भी फैसला किया है कि हम इस पर सीरीज चलाएंगे और इन सब लोगों को एक्सपोज करेंगे। पहले की सीरीजों में आपने देखा कि हमने कुछ और लोगों से बात की। आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक बालियान जी। स्वागत है आपका अशोक जी। अशोक जी पहले भी हमारे चैनल पर आते रहे हैं और आप जानते हैं कि जिस भी टॉपिक पर ये जानकारी लाए हैं हमेशा बहुत पुख्ता और सबूतों के साथ आए हैं। अशोक जी, आपका सोशल मीडिया पोस्ट मैंने पढ़ी और जो उसमें लिखा है बहुत चौंकाने वाली बातें हैं आपकी, और आपने कुछ इसमें जिक्र किया कि 2018 से और 2020 के बीच काफी कुछ घटनाक्रम हुआ। पहले तो उसके बारे में बताइए कि 2018 से 2020 के बीच जो पैसा आया, ये सब क्या था? ये देखिए हर्षी, इस दौरान लगभग 40-45 हजार करोड़ रुपया भारत में एनजीओ को मिला, और ये पैसा उनको यहाँ सोशल कामों के रूप में, जो लोग समझते हैं कि ये इनको सोशल एक्टिविटी चलाने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो सच नहीं है कि जो पैसा इनको दिया जाता है, जो दिखाया जाता है, पर्दे के पीछे। हर्षी, आज आपने बहुत अच्छा विषय चुना, पर्दे के पीछे जो भारत के विरोधी ताकतें हैं, जो आप देखते होंगे कि मोदी सरकार के समय में हम सब देख रहे हैं, विदेश और विरोधी लोग भी मानते हैं कि भारत की दुनिया में बहुत बड़ी एक गुडविल बनी है, इमेज बनी है, उन सब के विरुद्ध ये कार्य करने के लिए अधिकतर पैसा दिया जाता है। और अगर हम दिल्ली में बात करें 2018 और 2021 के बीच में, तो किसान आंदोलन एक सबसे बड़ा इसका हर्षीय उदाहरण था कि जो दिल्ली की सीमा पर 13 महीने आंदोलन चला था। आपके ध्यान होगा उस वक्त पर किस तरह सोशल मीडिया, ट्विटर पर, फेसबुक पर, अन्य टूल्स पर किसान आंदोलन के एक एक सप्ताह के प्रोग्राम भी इन विदेशी एजेंसियां देती थी किसान आंदोलन के चलाने वाले लोगों को। तो ये क्या था? ये यही तो था कि भारत को अस्थिर किया जाए किसी तरह से जाए। तो 2018 और 2021 के बीच में, तब तक मोदी सरकार ने भी यानी सोच को भी ये शायद आइडिया नहीं होगा कि ये इतनी बड़ी फंडिंग जो हो रही है, ये देश को तोड़ने के लिए, देश को अस्थिर करने के हो रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा हर्षी कि उसी दौरान और उसके बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है बहुत सारे एनजीओ को बैन किया है, जो वो विदेशों से पैसा लेते थे उनके उस सर्टिफिकेट को उन्होंने बैन किया है, उसको कुछ को काली सूची में भी डाला है, लेकिन अभी अभी भी कुछ कुछ को वॉच एनजीओ लिस्ट में ऐसे हैं। रखा गया है कि उनकी गतिविधियां क्या हैं, उस पर निगरानी की जा रही है। हाँ, यस। और अभी अभी भी हाल में तो हर्षी एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो कांग्रेस के नेता मनीष शंकर अय्यर है, उनकी बेटी यामिनी अय्यर है, हाँ, हमने उस पर वीडियो उसके बनाया उसके था। एनजीओ को अभी अभी विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम से के अंतर्गत जो उसको बैन किया गया है, उसके फंडिंग को जो है। तो बिल्कुल सही ये कह रहे सारी हैं। ताकतें 2018 और 2021 के बीच में बड़े पैमाने पर भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए अपने अपने एजेंडे पर काम कर रही है। अच्छा, मुझे आपकी बातों से ऐसा लगा कि वैसे तो मोदी सरकार 2014 से काम कर रही है, लेकिन ये जो किसान आंदोलन हुआ और इससे जुड़ी हुई चीजें हुई, वैसे तो मैं इसे किसान आंदोलन को तथाकथित ही कहता हूँ, किसान आंदोलन तो ये था नहीं सही मायनों में, और इसे लेकर जो एक्टिविटीज हुई और इसमें जो फंडिंग आई, मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि एक आंखें खुली हैं जो सरकार की, वो उसी से खुली हैं, वरना फंडिंग तो 2014 से 2018 के बीच में भी आई, वो तो कंटिन्यूअस चली यस, रही थी, लेकिन किसान आंदोलन ने एक क्रिस्टल का काम किया कि साहब इसने, इसके बाद सरकार की आंखें खुली कि यार एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, 1 साल से लोग सीमाओं को घेर कर लेटे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया।
देखिए अभिजीत, जब एक कृषि कानून के लिए दिल्ली की सीमा पर जो किसान आंदोलन चला था, इसमें एक एनजीओ था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, हाँ, जिसको मैंने आपको देखा, पीजेएफबी कहा जाता पीजेएफ है, के नाम से। वो जी शुरू से इस आंदोलन का हिस्सा रही है। और जब आंदोलन ये पंजाब में चल रहा था तब भी वो हिस्सा थी, और ये एक खालिस्तान समर्थकों का एक ग्रुप जो है माना जाता है इस एनजीओ को। और ये लोग यहां तक नहीं हर्ष जी के यहीं तक रुकते हो, फंडिंग तक ही, ये देश विरोधी ताकतें जो है सुप्रीम कोर्ट को भी टूल के रूप में उपयोग करने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े वकील उसी वक्त कोई ना कोई इशू लेकर, आपने देखा होगा जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, तो इस तरह की परिस्थितियां देश में सुप्रीम कोर्ट के सामने पैदा की उन्होंने, कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा कि उस वक्त कोई भी निर्णय, दिल्ली में जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था इस पर अनिर्णय की स्थिति रही। ये मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट का कहीं इसमें कोई वो था, लेकिन इस तरह की लेकिन परिस्थितियां पैदा आपका की कहने का जाती मतलब है। यह है कि कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट किया गया और एक के बाद एक यस, पेचीदा हालात पैदा किए गए। हाँ बिल्कुल किए गए। अच्छा, इसमें और ये भी जो है ना, जो जो आप बता रहे पॉलिटिक हैं कि जस्टिस कृषि फाउंडेशन है कानून, अशोक जी, कृषि कानूनों को लेकर जी, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, बहुत तरह तरह के इसमें वो भी आए थे, जैसे कि हाँ कुछ लोगों को भी जोड़ा गया था, स्थानीय लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया था। हाँ हाँ लेकिन आपने देखा होगा कि हर चीज सुप्रीम कोर्ट की अनिर्णय की स्थिति को पैदा करने वाले यही टूल किट के लोग थे, यही विदेशी फंडिंग पर आधारित जो यहाँ एनजीओ चलते हैं, या उस एनजीओ के पैसे से जो एडवोकेट, बड़े बड़े एडवोकेट थे, उनमें से वे लोग भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी परिस्थितियां पैदा किए हुए थे उस वक्त पर, कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर उस वक्त कोई जजमेंट नहीं दिया था। ये पता होगा आपको इस बात पे। और मैं तो हर चीज ताजू मान गया था कि प्रोपेगेंडा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ऐसे संचालित हो रहे थे कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, कि हम इस बात को देखते थे कि किस तरह भारत की सरकार को स्थिर करना था, और किसान हित के अच्छे कानून को देश के किसानों को बुरा बताने का काम इन लोगों ने उस वक्त किया था। तो और ये देखिए, जो सारी की किसान सारी आंदोलन से फंडिंग जुड़े हुए बाहर से लोग की। थे, एक मिनट, मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, मैंने देखा कि उससे पहले ये सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं थे। किसान को कहाँ पता है, ट्विटर, फेसबुक और ये सब इनके लिए फुर्सत है किसान के पास, आप बताइए। और उसके बाद मैंने देखा इन सब लोगों के पेज बन गए से फेसबुक पे, उन्हें वेरीफाइड कराया गया, इवन ट्विटर हैंडल थे इन लोगों के, जो वेरीफाइड ब्लू टिक आता है उनके सामने, वेरीफाइड अकाउंट थे। मतलब इसके साथ एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा था। और मुझे कुछ लोगों ने पहले भी इस बारे में बताया कि जैसे आपने पीजीएफ का नाम लिया, मुझे थोड़ा सा पीजीएफ के बारे में बताइए, ये क्या चीज है पीजीएफ? ये एक एनजीओ है जो वैसे तो अपने आप को फेसबुक पर समय समय पर ये बदलता रहता है, और ये कभी लिखता है कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब ये किसान आंदोलन चला था तो तब इसके जो मुख्य इसका पेज था उस पर किसान आंदोलन की फोटो थी, और एक उत्तर भारत के बड़े किसान संगठन का के कुछ नेताओं के इसमें फोटो थी। और ये कौन लोग खालिस्तान, चलाते हैं इसे, क्या क्या इसकी बैकग्राउंड है, ये कहां से संचालित होता है, कैसे? ये वो लोग हैं जो जो खालिस्तान के वक्त पर विदेश चले गए थे, और भारत सरकार ने बहुत सारे इनके नेताओं को बैन किया हुआ है, लेकिन ये दूसरे नामों से, अलग अलग नामों से इन सारी चीजों को चलाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी फंडिंग करने वाला और सबसे बड़ा इस किसान आंदोलन को चलाने वाला ये एक संगठन था। आपने देखा होगा कि ये संगठन किसान आंदोलन को प्रोग्राम भी देता था। मैंने आज अपने फेसबुक पर डाला है कि किस तरह 19 तारीख से लेकर 26 जनवरी तक का, क्योंकि 26 जनवरी में बहुत बड़ी हिंसा दिल्ली में हुई थी, 26 तारीख का प्रोग्राम जो है इसी एनजीओ के द्वारा किसान संगठनों को दिया गया था जो विदेश में बैठा हुआ था। उसका जो पूरा प्लानिंग था ये कि क्या सब था, ट्रैक्टर के स्टंट किए जाएंगे, ये किए जाएंगे, फलाना करेंगे। ये सब प्रोग्राम इन्हीं संगठनों के द्वारा दिए गए थे। तो ये अपना चेहरा बदलते रहते हैं। इस किसान आंदोलन खत्म हो गया तो अब ये दूसरे रूप में आते हैं, फिर तीसरे रूप में आते हैं इस तरह। लेकिन भारत की एजेंसियों को अब इन पर नजर रखनी होगी, और मैं समझता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर इन पर नजर भी रखे हुए होंगे। अच्छा, इससे देखिए चीजें कनेक्शन कितने स्पष्ट जुड़ गए हैं। किसान आंदोलन होता है, पहले पंजाब के किसान इसमें सक्रिय होते हैं, पंजाब के किसानों को उठाकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा दिया जाता है, दिल्ली के बॉर्डर पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए दिल्ली की सरकार आ जाती है, आम आदमी पार्टी की। उस आम आदमी पार्टी की सरकार को सपोर्ट करने के लिए सारे खालिस्तान सपोर्टेड जितने भी एलिमेंट हैं वो पंजाब में सक्रिय हो जाते हैं और पंजाब में सरकार बन जाती है आम आदमी पार्टी की। देखिए कितना हाँ स्मूथ तरीके से हुआ सब कुछ।
आप जो जो शुरू में हमने अमेरिका अरबपति जॉर्ज सोरेस का जिक्र जो हर्ष जी आपने किया था, उसने दुनिया की सरकार को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की है, और वो एक ऐसा नैरेटिव जनता में क्रिएट करते हैं उस फंडिंग के आधार पर कि उस देश की जनता उस वक्त ये सोचती है कि जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है वही ठीक है और वही तुम्हारे मतलब है भाग्य को और तुम्हारे देश को बदल सकता है। जबकि होता क्या है कि ये अच्छी सरकारों को अस्थिर करना या जो उनके मनमाफिक सरकार नहीं होती उनको अस्थिर करने का काम किया जाता है। जो मैं पंजाब में समझता हूँ कि जो आम आदमी की सरकार बनी है वो इसीलिए सरकार बनी है कि वहां एक नैरेटिव 13 महीने में तैयार किया गया। उसमें आम आदमी पार्टी थी, ये सारे एनजीओ थे जो विदेशों से फंडिंग कर लेते हैं, और इसी तरह एक बड़ा नैरेटिव पंजाब में बनाया गया। क्योंकि पंजाब क्या है कि पंजाब पहले भी हस्ती आपने देखा होगा कि भिंडरांवाले के दौर में एक अशांत राज्य बन गया था। हाँ तो बिल्कुल, वहां वहां अब वहां ये कोई इस एक तरह की दिन में नहीं हुआ कांगड़े पंजाब में। पिछले कुछ सालों से दबी छिपी हुई थी, जो एकदम से मौका लेकर हाँ, सामने आ गई है। बल्कि हर्ष जी अगर हम कहें तो ये पंजाब में आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन से 2-3 साल पहले से भिंडरांवाले की दोबारा से वीडियो आनी शुरू हो गई थी। ये किसान आंदोलन का तो उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जिसने जनता के नैरेटिव को बड़े पैमाने पर बदला है। लेकिन 2-3 साल पहले ही तब तक भारतीय जांच एजेंसियां भी इस तरफ नहीं देख रही थी कि ये आखिर वीडियो क्यों आ रही है। शुरू में तो ये सोचा जाता है कि ये वीडियो किसने डाल दी होंगी उस वक्त में, हमारी आर्मी स्वर्ण मंदिर में आई और भिंडरांवाले से उसको खाली करा गया। लेकिन भिंडरांवाले को उन सारी वीडियो में एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया और आज फिर वही सारी ताकतें अमृतपाल के नेतृत्व में फिर पंजाब को एहसान करने में लगी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का इसमें बहुत बड़ा रोल था दिल्ली के किसान आंदोलन में केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए और किसानों के हित के अच्छे कानूनों को वापस कराकर पंजाब में एक एंटी गवर्नमेंट और अस्थिर सरकार को हटाने का एक माहौल को बनाने का काम किया और वो उसमें सफल भी हुए। हंसती दुर्भाग्य की बात यह है कि कृषि कानूनों को वापस कराने में सफल हुई है ताकते, और पंजाब में एक ऐसी सरकार लाई जो वर्तमान में खालिस्तान की सोच को रोक नहीं पा रही है और पंजाब फिर अशांत क्षेत्र की तरफ जा सकता है यदि केंद्र सरकार ने समय से इंटरफेयर नहीं किया तो। अच्छा, इसमें आपकी जो पोस्ट है, मैं उसमें पढ़ रहा था, उसमें अमर्त्य सेन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उनका भी जिक्र आपने किया है। अमर्त्य सेन की इनकी क्या कहानी है? ये तो पर्यावरण के लिए काम कर रहे थे, पता नहीं इनका क्या एनजीओ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये भी सोरस जीवी है नंबर वन के। देखिए, मैंने इनकी अनेकों किताबों को पढ़ा है। अच्छा हमें शुरू शुरू में तब तक हम इनके पूरी इनकी बैकग्राउंड में नहीं जाते तब तक सोचते हैं कि ये भारत के लिए बहुत कुछ लिख रहे पकड़ हैं। पकड़ की बात लेकिन है, जब नोबेल मिला है। हाँ, लेकिन तब हमने इनको देखा, अमर्त्य सेन थे, जॉर्ज सोरेस के साथ एनजीओ में शामिल है, ये सब लोग शामिल हैं। फिर क्या करते हैं ये, जब भारत में कोई भी मोदी सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट लाएगी, चाहे वो आपने देखा होगा चाइना बॉर्डर पर जो हमारी सड़कें बननी थी वो चौड़ी सड़कें बननी थी, तो ये सारे एनजीओ सुप्रीम कोर्ट चले गए कि वहां पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा इसलिए चौड़ी सड़कें ना बनाए जाए। आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा और उसको ये कहना पड़ा कि जब जो हमारी युद्ध की मशीनरी है वो बहुत तंग सड़कों पर उनका मूवमेंट नहीं किया जा सकता युद्ध के समय में, तो मजबूर होकर फिर सुप्रीम कोर्ट को उस रिट को खारिज करना पड़ा और वहां की सड़कों को बनाने की इजाजत देनी पड़ी। आखिर ये कौन लोग हैं जो पर्यावरण के नाम पर हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं? ये तो पर्यावरण के इसलिए नाम मैंने पे ऐसे लोग हैं, ये भी कहते हैं कि होली मत मनाओ, पानी वेस्ट होता है, दिवाली मत मनाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रदूषण फैलता है, जबकि पूरे साल प्रदूषण रहता है। ये बात हाँ, साबित तो हो गई है कि प्रदूषण दिवाली से ये बिल्कुल तो नहीं आज होता है। की अब आपने देखा होगा कि ये अमृतसर का अब पता चलेगा आपको कि ये इनके असली उद्देश्य क्या है। ये पर्यावरण के नाम पर भारत के डेवलपमेंट को रोकने का बड़ा काम करना चाहते हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर न बने, क्योंकि मोदी सरकार हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर जा रही है। हर्ष जी, आपने इस इनके एक ये संगठन का ये नाम लिखा है, इनका जो अमर्त्य सेन है, इसका इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे, क्या है नमाती नमती, क्या आपने हाँ, बताया ये नमती है, ये नमती है, और है? ये जो इनका जार सोरेस का जो ये जो एम्पायर है अमेरिका में, ये उससे फंडिंग इनको मिलती है इनके इस संगठन को। वैसे तो इनका संगठन आर्थिक नीतियां क्या हो देश की
पर्यावरण पर देश में किस तरह के डेवलपमेंट किया जाए, तो ये देखने को तो ये इस तरह के काम है इनके। लेकिन अगर हम पर्दे के पीछे जाएं तो देखते हैं कि ये भारत सरकार के हर उस काम को रोकने का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करते हैं कि उस चीज को रोका जाए ताकि भारत आत्मनिर्भर न बने। तो ये अमरेंद्र सेन का जो मैंने शुरू में देखता था और जो इनकी किताबें पढ़ता था, लेकिन इसके बाद जब मैंने देखा कि इनका एनजीओ इस तरह के काम को करता है, तब हमारी समझ में आए कि ये सारे के सारे लोग उसी उसी एक व्यवस्था का हिस्सा है जो भारत की तरक्की नहीं होने देना चाहते। अच्छा, ये हर्ष मंदार साहब के बारे में थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा। हालांकि हमने पहले वीडियो में इसका जिक्र किया है, लेकिन थोड़ा सा आप में मैंने देखा कि आपने काफी डिटेल में हर्ष मंदार के बारे में लिखा, जो शाहीन बाग के धरने, ओपन सोसाइटी, उसके बारे में भी आपने इसमें काफी जिक्र किया है। और ये हाँ, सोनिया गांधी के सलाहकार रहे हैं हर्ष मंदार, यूपीए की जब वो चेयरपर्सन थी, आपको याद होगा जब सरकार। यस यस, हाँ हाँ यस। ये बताइए थोड़ा सा इनकी एक्टिविटीज के बारे में। देखिए, जो जो ये हमेशा से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और ये इस संगठन जो अमेरिका अरबपति है, इनका जो इनसे भी इनके संगठन को भारी पैसा मिलता है। और जो ये आपके ध्यान हो, दिल्ली में सीए कानून को लेकर हिंसा हुई थी, अनेक जगह हिंसा हुई थी, और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी वहां हिंसा हुई थी और मूवमेंट चला था वहां उनके खिलाफ गए। तो इसमें पता चला कि इनका एनजीओ पीछे से इन संगठनों को मदद कर रहा था, जबकि एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को विदेशी फंडिंग से मिले पैसे से मदद नहीं कर सकता, उसको अपने ही काम में एक्टिविटीज में ही लगाना पड़ेगा। तो ये आरोप इन पर लगे थे उस वक्त में। और ये पूरा का पूरा आपने देखा होगा कि इसके बाद फिर शाहीन बाग आंदोलन चला, जामिया मिलिया के बाद शाहीन बाग में आंदोलन में कौन लोग थे? ये हर्ष बंदर का एनजीओ भी पर्दे के पीछे उनको सपोर्ट कर रहा था। तो कौन थे ये? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और उसके जो समर्थक एनजीओ हैं, वो फिर एक ऐसे कानून के विरोध में भारत सरकार को बदनाम कर रहे थे दुनिया में, जिनका भारत की जनता से कोई मतलब नहीं था। सीए कानून न किसी हिंदू के लिए था, भारतीय के, और न किसी मुसलमान के लिए था। वो तो केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हाँ, वो जो पाकिस्तान से बाहर से, जो भारतीय आने आए थे, वाले बाहर से हिंदुओं आए के हैं, लिए उनकी था। नागरिकता के लिए है। सही बात है। हाँ, यस यस यस। तो अच्छा, ये हर्ष मंत्र जी, आपने जो है एक ये, हालांकि देखिए, मैं चूंकि मैं मीडिया पर्सन हूं और मुझे पता है कि ये जो सोरोस जीवी हैं, मैं मीडिया पर्सन की बड़ी भारी संख्या है जिन्हें बाहर से फंडिंग मिलती है। और ये थोड़ा सा मैं बताइए कि जो ये नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया है, NFI, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ये जो आपने उसमें सीमा हर चीज चिश्ती ये वाला जो जो, जिक्र किया है, ये हाँ 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 बिल्कुल, जो है देखिए, अभी आपके ध्यान होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसमें जो भारत के उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का इसका उद्देश्य मुख्य रूप से था, ताकि जितने पावर प्रोजेक्ट हैं जो भारत, जो विदेशों में भी जाकर दिए गए हैं, उन सब पर इसका विपरीत प्रभाव पड़े। तो ये जो हमारा एनजीओ जो है, ये NFI, ये इसी काम को कर रहा है। आपने देखा होगा कि सीमा चिश्ती जो है वो ऑस्ट्रेलिया प्रोजेक्ट में भी, जब इसको ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट मिला था अडानी ग्रुप को, तब 16-17 में, तब भी ये इसके विरोध में, ये एनजीओ इसके विरोध में था। आज फिर ये एनजीओ पर्दे के पीछे से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उन सब के पीछे इन लोगों का हाथ है। ये राहुल गांधी, सोनिया, रॉबर्ट परेडा, ये सारे बेल पे, इस बात को कभी नहीं कहते ये लोग, ये अडानी ग्रुप के हर उस प्रोजेक्ट का वहां विरोध करते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार होती है। जिन राज्यों में देखा होगा आपने, अभी राजस्थान में एक बहुत बड़ा एक समझौता राजस्थान की सरकार और अडानी ग्रुप के बीच हुआ था, लेकिन इस एनजीओ ने कभी उस पर हर्षीय उंगली बिल्कुल, नहीं उठाई। आपकी ये ये केवल बात सही उन्हीं है, राज्यों में उंगली उस उठाते पे हैं किसी जहां ने सवाल नहीं बीजेपी, उठाया। सही बात है। यस, तो जहां बीजेपी की सरकार होती है। आपने तो लिखा है इस एनजीओ का काम कि भी आपने ये भी देश लिखा है में उसमें कि द वायर ने 2017 में अडानी के ऑस्ट्रेलिया प्रोजेक्ट के बारे में उसके खिलाफ 5 प्रचार लेखों की एक सीरीज लिखी थी। ये मतलब प्रचार हाँ लेख जी क्या मतलब, क्या ये स्पॉन्सर्ड आर्टिकल थे? बिल्कुल बिल्कुल थे भाई। एक भारत के किसी उद्योगपति को विदेशों में काम मिलेगा तो उसका क्या होगा? कि भारत को पैसा नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पे भारत में डॉलर आएगा, भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। लेकिन ये जानते थे कि इस तरह की चीजों के करने से मोदी सरकार जो बेहतर काम कर रही है उसको कैसे रोका जाए, इसलिए पूरी की पूरी सीरीज चलाई थी दवार ने। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्रकार वार से, दवार से जुड़े हुए हैं।
सही बात, ये सारा का सारा जो विदेशी फंडिंग हो रही है उसी के आधार पर हर ये सारा कार्य जो है किया ठीक। जा रहा है, उसी में NFI भी शामिल। और ये आपने जो डिजिटल कार्टेल की बात की है, डीजी पब, इसके बारे में बताइए, इसमें अजीत अंजुम जैसे लोगों के नाम हैं। आपने देखा होगा कि अजीत अंजुम जैसो के नाम किसान आंदोलन चला। अजीत अंजुम ने कभी एक दिन ये नहीं दिखा कि तीनों कृषि कानूनों में किसी में भी किसान की जमीन जाने की बात नहीं है, बिल्कुल भी न किसान की जमीन पर उसकी कोई तह में लोन ले कभी नहीं गए, सकता, बस वो किसान लेकिन जो कहते रहे वही सुनाते रहे कहानी वो। लेकिन वो वही सुनाते रहे जो किसान कहते रहे, काले कानून बताते रहे। तो ये भी इन सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। ये डिजिटल कार्टर जो डिजिपब का सदस्य जो है, इसके अजीत अंजुम भी सदस्य हैं, आलोक जोशी भी इसके अर्थी सदस्य हैं, और ये सारे के सारे मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडे में शामिल हैं। चाहे राफेल विमान को लेके इन्होंने सीढ़ी चलाई हो, चाहे एक छात्र रोहित वेकुला की आत्महत्या के हैदराबाद में, चाहे उसको लेके किया गया हो, चाहे जज लोया ने हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई हो चाहे उसको लेके चलाया हो, चाहे नोटबंदी को लेके चलाया हो, ये सारे के सारे जिनको, या अभी आपने हाल में देखा होगा पिछले साल जो आई थी कि ये हमारे आर्मी में एक बहुत बड़ा बदलाव भर्ती के लिए किया गया था जो है, और अग्निवीर योजना थी जिसको जिसको हर्षी हाईकोर्ट ने भी माना है कि इस योजना को सेना के विशेषज्ञों ने बनाया है, वो दुनिया की आर्मी का अध्ययन करने के बाद इसको भारत में ला गया है, हाईकोर्ट ने ये अपने निर्णय में कहा है। लेकिन इन पत्रकारों ने उसकी भी एक सीरीज चलाई थी और ये कहा था कि ये देश के लिए ठीक नहीं है और नौजवानों को ये बर्बाद कर देगी, जबकि आर्मी ने 4 गुना भर्ती निकाली है और उसमें से 1/4 को आर्मी की नियमित सेवा में रखा जाएगा। तो जो हमारी रेगुलर आर्मी की है उसमें तो कोई कटौती नहीं हुई जी, बल्कि हमने 1/3 और नौजवानों ज्यादा को बढ़ाया। रोजगार दिया है और उनको आर्मी की ट्रेनिंग दी है, ताकि इन फ्यूचर में, जैसे आपने देखा होगा कि अभी रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, क्या किसी को पता था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा? तो अगर भारत के साथ कभी ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में रिजर्व फोर्स होगी। लेकिन इन जैसे पत्रकारों ने डिजिटल कार्टर डिजिपब के साथ मिलकर, उनसे फंडिंग लेकर अग्निवीर योजना के खिलाफ भी बहुत बड़ा एक मूवमेंट चला था। तो ये सब क्या है, ये उसी का एक हिस्सा है हर्ष जी। अच्छा, इसमें अशोक जी, एक थोड़ा सा, ये तो चीजें हमने काफी बात की इस पे, सोरोस जी पे, लेकिन अभी इस समय जो देश में माहौल चल रहा है, जो भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचारी एक तरफ संगठित हो रहे हैं, और मोदी जी ने जो अभियान, लोग ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी ऐसे ही कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब चीजें बिल्कुल सामने आ रही हैं, वो जिस जिन्होंने खा रखा है उनसे भी उगलवा रहे हैं, स्थिति आ गई है। और अब देखिए सारे एक होने लगे हैं। अभी जैसे कि आपने ये डिजिटल कार्टेल की बात की, एक इस डिजिटल कार्टेल का हिस्सा बनने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल। आपको मैंने वीडियो भी बनाया है उस पर, इंसाफ के सिपाही नाम जी से एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वकीलों के, और फिर वो वकील इन भ्रष्ट नेताओं के मुकदमे लड़ेंगे। थोड़ा सा इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी लालू यादव के परिवार से हर्ष जी सीबीआई पूछताछ कर रही है। ये शिकायत जिस मामले में पूछताछ कर रही है, ये नीतीश कुमार की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले में उनसे महंगी जमीनें जो उनके प्लॉटिंग थी कई शहरों में, उनको अपने नाम करा है। तो ये शिकायत कोई उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये शिकायत कोई किसी दूसरे ने नहीं की, ये खुद चारा जो घोटाला भी बिहार कांग्रेस में, के समय का खुला हुआ है। हाँ, तो ये शिकायत की थी। आप अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में शराब में जब ये योजना जो केजरीवाल सरकार लाई थी, इससे पहले 3500 करोड़ के लगभग का राजस्व मिलता था। इस नई योजना को लाने के बाद राजस्व कितना आया, 350 करोड़ रुपया। तो वो जो बाकी पैसा का जो डिफरेंस है वो किसकी जेब में गया, वो होलसेलर की जेब में गया, जो लोग योजना को लाने वाले थे और जिन जिनका उसमें हित जुड़ा हुआ था उसमें लाया गया। उनकी आप देखोगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी भी एक कंपनी थी जिसको दिल्ली में ये इनडायरेक्ट में उसको उसका हित मिला। तो अब ये सारा विपक्ष इकट्ठा होकर 6-7 प्रदेशों के मुख्यमंत्री नेता कह रहे हैं हर्षी
ये सीबीआई और ईडी दुरुपयोग कर रही है। अरे भाई, आधे मामले में तो शिकायत तुमने की थी, देखिए कितनी जो बड़ी चिट्ठी लिख रहे हैं उन्हीं विडंबना, लोगों ने शिकायत की थी। भारतीय राजनीति की आप विडंबना देखिए अशोक जी। नीतीश कुमार की राजनीति लालू के विरोध पर ही खड़ी हुई थी, और हाँ, पतन की पराकाष्ठा देखिए कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे को मैं सीएम बनवा दूंगा अगली बार। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और बिहार में तो हर से मैं आपको बताऊं कि जब यूएन विश्वास ने लालू यादव को गिरफ्तार किया, तो आप अगर देखोगे उस वक्त तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, राज्यपाल श्रीमती राजबाला पटना की जिलाधिकारी थी, और जब युवा यूएन विश्वास का उसने टेलीफोन थाना बंद कर दिया लालू की गिरफ्तारी के लिए, वहां के एसएसपी ने बंद कर दिया, वहां के डीजीपी ने टेलीफोन बंद कर दिया, वहां मुख्य सचिव ने बंद कर दिया, तो यूएन विश्वास क्या करता आखिर में? उसने पैरामिलिट्री फोर्स मंगाई, तो राजबाला ने कह दिया कि आप बगैर जिलाधिकारी के पटना में पैरामिलिट्री फोर्स की नियुक्ति नहीं कर सकते। आखिर मजबूर होकर उसको हाईकोर्ट जाना पड़ा, और हाईकोर्ट जाने के बाद में हालांकि एक घटना का लोकसभा में हर्षी में आपको बता बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन उसकी कभी पुष्टि नहीं हुई कि यूएन विश्वास ने वहां के जो एरिया कमांडर थे आर्मी के उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार मुख्यमंत्री निवास के सामने को अपने आर्मी का मूवमेंट बढ़ा दे ताकि लालू को गिरफ्तार करने के माहौल को बनाया जा सके। तो उस वक्त क्या हुआ था कि लालू यादव के निवास के सामने आर्मी की गाड़ी का मूवमेंट हुआ, तब लालू यादव ने रिजाइन किया और फिर अपनी पत्नी को बनाया था। तो ये उस वक्त तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, और न बीजेपी ने कंप्लेंट की थी। उस वक्त तो सरकार भी दूसरी मिलीजुली सरकार थी, देवगौड़ा की सरकार रही उनके वक्त में, और गुजराल साहब की सरकार रही। तो ऐसे लोगों को आज फिर ये जो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनको सपोर्ट कर कर ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है ये हमें तंग कर रही है, ये मोदी सरकार तंग नहीं कर रही। कपिल सिब्बल साहब का बयान है, बस मुझे अचंभा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सीनियर लॉयर हैं, इतने बड़े बड़े मुकदमे कपिल सिब्बल साहब ने लड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की रेड जो है वो ऐसे समय में डाली गई है कि जब लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट करा के विदेश से लौटे हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये संविधान की किस धारा में लिखा गया है कि जो क्रिमिनल है उसके स्वास्थ्य का जो है ख्याल रखा जाए तो उस पर मुकदमा ना चलाया जाए, उस पर ट्रायल ना किया जाए, उससे पूछताछ ना की जाए? ये कौन सी संविधान की किताब पढ़ के आए हैं सिब्बल साहब? तो ये हर्षी यही तो एक जो जो ये टूल किट है, यही तो है जो सुप्रीम कोर्ट को भी प्रभावित करने का प्रयास करता है। और ये ताजुब देखो, कपिल सिब्बल की पार्टी के नेता राहुल गांधी दुनिया में जाकर लंदन में जाकर क्या कहते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मोदी सरकार जो है डैमेज कर रही है। डैमेज तो भाई आप कर रहे हो कि जो आप आर्थिक अपराधी जो राजनीतिक की सत्ता में बैठकर बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध किए जिन्होंने, उनको आप जेल नहीं जाना देना चाहते, तो संस्था को कमजोर तो आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े एडवोकेट हैं वो कर रहे हैं, और आप विदेश में जाकर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार तो आर्थिक अपराधियों को जो राजनीति के कारण अब तक बचे हुए थे उनको कानून के दायरे में लाने का काम कर रही है। आप देखो, आप आदमी पार्टी का एक नेता 9 महीने से जेल में है, और वो शुरू में कहते थे कि इन पर कोई एविडेंस नहीं है। तो अरे भारत भाई, रत्न बिल, साक्ष्य वो नहीं है तो अरविंद तो हाई केजरीवाल तो कोर्ट है, भारत रत्न सुप्रीम दिला कोर्ट रहे थे है, उन्हें। डिस्ट्रिक्ट जज है, उनसे आपको बेल क्यों नहीं मिली? तो ये हर्ष जी, ये सारा का सारा जो हम और आप शुरू से डिस्कस कर रहे हैं यही सब है। कपिल सिंबल भी उसका एक हिस्सा है। आप देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से कोई भी जनहित की याचिका जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली, केवल उन्हीं लोगों की याचिका, उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं जो लोग देश को लूट कर खा चुके हैं या आगे खाना चाहते हैं, और इसीलिए चाहते हैं ये सारी विपक्षी पार्टियां कि सेंटर में एक बेहद कमजोर सरकार आए ताकि फिर सीबीआई और ईडी की रेड न हो सके और आप अपने अपने राज्यों में बड़े पैमाने पर आर्थिक भ्रष्टाचार कर सके। हर्षी, यही इनका उद्देश्य है, इसीलिए विपक्ष एक होना चाहता है। असल में इस बारे में रविशंकर प्रसाद ने बहुत बढ़िया बात कही। वो कुछ लोगों का ये कहना था, कुछ लोगों ने इसमें बयान अभी दिए कि साहब बीजेपी के नेताओं पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उसमें सीबीआई ईडी नहीं जाती है। तो उसमें रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भाई आपकी भी 10 साल सरकार रही, आपने क्यों नहीं कराई जांच? जब आप 10 साल सरकार थी, आप लाते मामले निकाल के, आपको किसने रोका था?
असल में अब तक तो आजादी से और 2014 तक, हकीकत बात यह है, वाजपेयी सरकार की समय भी यही स्थिति रही, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं बदला। उस समय तक स्थिति ये रही कि भाई तुम हमें टच मत करो, हम तुम्हें टच नहीं करने के। ये एक म्यूचुअल बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिशियंस के बीच में बनी हुई थी। मेरे पिताजी तो खुद कहा करते थे कि एक नेता दूसरे नेता को कभी जेल नहीं भिजवाता। हाँ। और हम ये कहें कि अगर विपक्ष को ये लगता है कि मोदी सरकार बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं करी, तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ आपके ध्यान होगा चलो, लालू यादव जी के खिलाफ जो शुरू में चारा घोटाले में केस दर्ज हुआ था, वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था। यूएन विश्वास की जांच की थी, बल्कि उस सरकार उनकी जो उस वक्त सरकार थी केंद्र की, उन्होंने तो रोकने के लिए सीबीआई के डायरेक्टर जोगिंदर सिंह को बुलाया था। बल्कि बिल्कुल जोगिंदर सिंह ने कहा कि आप मुझे लिख कर दे दें, प्रधानमंत्री को कहा मैं जांच रोक दूंगा। तो कौन माने कर रहा है विपक्ष को कि अगर कोई बीजेपी की सरकार में कोई लीडर भ्रष्ट है, करप्शन करता है, तो आप जाए सुप्रीम कोर्ट, आप जाए हाई कोर्ट, कौन माने कर रहा है आपको। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि अब होम मिनिस्ट्री ने जो है इस पर सख्त एक्शन लिया है, और आप जानते ही हैं कि पंजाब को लेकर भी अमित शाह बड़े गंभीर हैं, और एक के बाद एक मामले जिस तरह से खुल रहे हैं और सब लोगों को समन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही मोदी सरकार लड़ने जा रही है। अब तो मुझे ये स्पष्ट हो गया है, अगला ये साल इसी को समर्पित रहने जा रहा है। हम बिल्कुल होना भी चाहिए। अगर हम देश में भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जी जो योजनाएं हैं वो जनता के लिए आएंगी, और उससे देश का विकास होगा। तो ये तो सबसे जरूरी है। ये तो आजादी के वक्त में अगर हम ध्यान देते उसके बाद में, तो आज हमारा देश भी विकसित देश होता बहुत पहले। आप बिल्कुल जानते हो कि यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारा यूरोप तबाह हो गया था, कहीं कोई सड़कें पुल नहीं बचे थे। लेकिन हर्ष जी, क्योंकि वहां इन चीजों में करप्शन नहीं था, और वो देश फिर विकसित देश बन गए थे जल्दी। भारत में सत्ता में बैठे लोगों ने करप्शन किया था, इसीलिए हम विकसित देश नहीं बन पाए अभी तक। चलिए आशा करते हैं कि हमारे देश को विश्व युद्ध जैसी या कोई ऐसी त्रासदी ना झेलने पड़े, जनता ही यहाँ पे पुनरुद्धार कर दे और अपने मनमर्जी की सरकार चुनकर जनता इस अभियान को जारी रखे जिसकी शुरुआत मोदी जी ने की है। अशोक जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी रिसर्च अपनी जारी रखेंगे, और जब भी कोई ऐसा मुद्दा होगा हमारे चैनल पर आप जरूर आएंगे। धन्यवाद। जरूर, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।